अगर माइक एक एक को, जो जो हाथ खड़ा कर रहे हैं, एक एक को माइक दे दिया जाए, वो लोग बताएं कि उनकी जिंदगी में क्या बदलाव आया, उन्हें क्या लगा कि कैसे सुधार हुआ। आपकी जिंदगी में बदलाव आए, मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात, इससे बड़ी संतुष्टि की बात नहीं हो सकती। तो कोई अगर माइक आप लोग देते जाएं। हंड्रेड में से हंड्रेड नमाक्स। हाँ जी बताइए। सर नमस्कार, मैं रौनक कुमार सर अलीपुर एरिया से आया हूँ। और सर जो ट्वेल्थ क्लास मैंने लास्ट ईयर ही पास की है और अलीपुर के गवर्नमेंट स्कूल से पास की है, और सर जो आपने शिक्षा में जो क्रांति हमारे स्कूल में जो आई थी आपकी सरकार आने के बाद, उसकी वजह से आज मैं एक दिल्ली के रेप्यूटेड कॉलेज में पढ़ पा रहा हूँ। कौन सा कॉलेज? सर मेरा कॉलेज है SGTP खालसा। बहुत अच्छे। और सर परंतु एक दुख मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा है कि जिस एरिया से मैं आता हूँ वहाँ एक तो मेट्रो की सुविधा नहीं है, प्लस जहाँ महिला सुरक्षा के लिए सरकार इतने कदम उठा रही है, बसों में मार्शल, मेट्रो में मार्शल, वहीं सर जहाँ हमारे एरिए के जो क्षेत्र के रिप्रेजेंटेटिव हैं सर उनके खिलाफ एक मुकदमा चल रहा है, कृपया आप उस पर मद्देनजर देखिए। और यूथ की आवाज़, यूथ का आइकन आज आप हो हमारे लिए, सर आप इस बात पर ज़रूर गौर करिएगा। बिल्कुल, रिक्वेस्ट है सर। बहुत अच्छा। इन्होंने दो इम्पॉर्टेंट सवाल आपसे खड़े किए हैं, एक तो एजुकेशन के बारे में कि मतलब ही इज़ वेरी हैप्पी विद द स्कूल ही वेंट टू, वो तो आपका बहुत बड़ा अचीवमेंट है, मगर ये जो विमेन सेफ्टी की ये बात कर रहे थे, ये एक क्रिटिसिज्म आता है आपकी सरकार के बारे में, अभी भी जो महिलाएं हैं उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी लगती है, जब हम लोग जाते हैं मेट्रो में जाते हैं तो फिर लास्ट माइल कनेक्टिविटी अभी भी नहीं है, आप इसको कैसे सुधार करेंगे, इसका कैसे? इसमें कई सारे स्टेप्स उठाने की ज़रूरत है। महिलाओं की सुरक्षा को लेके हम लोग बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, और डेली जो खबरें सुनने को मिलती है, पढ़ने को मिलती है, वो एकदम से दिल दहला देने वाली होती है। छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत काम किया जाता है। सो मुझे लगता है इसको एक वॉर मोड में, वॉर मिशन की तरह हम सब लोगों को अपना अपना रोल अदा करना पड़ेगा। इसमें सरकार को अपना रोल अदा करना पड़ेगा, पुलिस को अपना रोल अदा करना पड़ेगा, और समाज को भी अपना रोल अदा करना पड़ेगा। तो सरकार की तरफ से हमने CCTV कैमरे खूब लगवाए हैं, और भी लग रहे हैं, अभी 1.5 लाख के करीब लग गए हैं, अभी 1.5 लाख और लग रहे हैं। जहाँ जहाँ CCTV कैमरे लगे हैं वहाँ वहाँ सुधार हुआ है। मैं चाहता हूँ कि अभी जब माइक आप लोगों के पास आएगा, अगर आपके एरिया में CCTV कैमरे लगे हैं और उसका अगर कोई फ़ायदा हुआ तो वो भी ज़रूर बताइएगा। दूसरा, बसों में मार्शल्स की नियुक्ति की गई है, बसों के अंदर CCTV कैमरे लग रहे हैं, पूरे दिल्ली के अंदर अब स्ट्रीट लाइट्स लगनी, जितने डार्क स्पॉट्स हैं वो ख़त्म कर रहे हैं हम लोग, पूरे दिल्ली के अंदर स्ट्रीट लाइट्स लगनी, बहुत बड़े स्केल के ऊपर स्ट्रीट लाइट्स लगनी चालू हो गई हैं। लास्ट माइल कनेक्टिविटी करने की ज़रूरत और है, मैं आपसे सहमत हूँ। नहीं केवल बसें नहीं, लास्ट माइल कनेक्टिविटी में आपको छोटे मिनी बसेज या उस तरह का कुछ करना पड़ेगा। लास्ट माइल इसके लिए हमने एक स्टडी वो की हुई है, उसकी रिपोर्ट आ गई है, उसके आधार के ऊपर अब चुनाव के बाद लास्ट माइल कनेक्टिविटी पे भी हम काम करेंगे। दूसरा, पुलिस को भी ठीक करने की ज़रूरत है अपनी कामकाज की शैली को। आज अगर किसी के साथ कुछ गड़बड़ होती है तो उसमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता कि मैं पुलिस थाने में जाके पुलिस से मदद मांगूं, उनको लगता है पता नहीं मेरे साथ कैसे व्यवहार करेंगे, मदद करेंगे नहीं करेंगे। पुलिस तो आपके अंडर है ही नहीं, तो आप क्या करेंगे पुलिस के साथ? नहीं, हमारे अंडर में हो ना हो, है तो हमारी ना पुलिस, देश तो हमारा है। सुधार कैसे लाएंगे पुलिस में? देश तो हमारा है, पुलिस भी हमारी है। हम पुलिस में कोई शहीद होता है उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देते हैं। हम ये नहीं कहते पुलिस हमारी नहीं है, हमारी है, सेना भी हमारी है, पुलिस भी हमारी है, केंद्र सरकार भी हमारी है, सब हमारे हैं। तो आप केंद्र सरकार के साथ और काम कर सकते हैं पुलिस? नहीं बिल्कुल करेंगे, पहले इसको, ये इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। तो पुलिस को भी अपना कामकाज ऐसा करना पड़ेगा कि अगर कोई आए, कोई मुसीबत में हो तो वो तुरंत उसको मन करे कि मैं अब तुरंत पुलिस के पास जाऊं, पुलिस उसकी मदद करे। तो जैसे कहीं किसी लड़की के साथ, कई सारे केसेस में हम देखते हैं कि किसी लड़की को कई दिन तक कोई रहा है, उसको पीछा करता है, और फिर अचानक एक दिन उसके साथ गलत काम हो जाता है, वो लड़की कई बार जाती है पुलिस थाने, शिकायत करती है, उस पर कोई एक्शन नहीं होता। अगर फर्स्ट इंस्टेंस में एक्शन हो जाए तो शायद कई सारे बचाए जा सकते हैं। और तीसरा, समाज को भी हमें अपने को करना पड़ेगा। जितने लोग गलत काम करते हैं, हर आदमी, गलत काम करने वाला आदमी किसी ना किसी का बेटा होता है, किसी ना किसी का भाई होता है।
लेकिन हमारे समाज में कुछ ऐसा हो गया है कि कोई गलत काम करके आए तो सारा परिवार उसको बचाने में लग जाता है, उसकी काली करतूत पे पर्दा डालने में लग जाता है। ये सही नहीं है। हमें अब जितने माँ बहनें आज यहाँ बैठी हैं और जितनी आज NDTV के ज़रिए देख रही हैं, उन सबसे मैं निवेदन करना चाहूँगा, अपने बेटे को बिठा के बात करो, उसको बोलो कि बेटा मैं तेरे को बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन अगर कल तू कुछ गलत काम करके आया तो फिर घर मत आइयो, फिर तेरा और मेरा रिश्ता ख़त्म है। हर बहन को बात करनी पड़ेगी अपने भाई को बिठा के कि भैया मैं तेरे से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन अगर कल तू गलत काम करके आया तो तेरा और मेरा रिश्ता परमानेंटली ख़त्म है, घर मत आइयो। इनको पता होना चाहिए सबको कि हमारा परिवार हमसे रिश्ता तोड़ देगा, तो ये बहुत जरूरी है। समाज को भी करना पड़ेगा, पुलिस को भी करना पड़ेगा, सरकार को भी करना पड़ेगा। अपनी तरफ से महिला की सुरक्षा के लिए क्या 3 कदम उठा सकते हैं? अब जैसे मैंने बताया, एक तो आपने CCTV की बात करी, वो आपने पहले भी अनाउंस किया था, पूरी तरह हो नहीं पाया, अब होना शुरू हुआ है। आपने स्ट्रीट लाइटिंग की बात करी और आपने और ये लास्ट माइल कनेक्टिविटी की बात करी, ये 3 चीजें आप कह रहे हैं कि इस पर आप ध्यान देंगे। बिल्कुल ठीक है। और सवाल, माइक दे दीजिए, किसी महिला को माइक दे दीजिए, अच्छा लगता है हमको। और कुछ काम किए हो तो बताना जरूर। CCTV कैमरे से किस किस को लगता है फायदा हुआ, क्या क्या फायदा हुआ वो जरा बताना। मैं एक स्कूल में गया था, वहां पे छोटी छोटी बच्चियों से बात कर रहे थे, उन्होंने बताया कि जी हमारे गली के कोने में लड़के आते थे, तंग किया करते थे, जब से CCTV कैमरे लगे उन्होंने आना बंद कर दिया। छोटे चेंजेस हैं लेकिन कॉन्क्रीट चेंजेस हैं। सवाल किसको पूछना है? कोई महिलाएं हैं ये इनको? अच्छा, हाँ जी सर, मेरा नाम गौतम माया गुप्ता है। आप अरविंद केजरीवाल को हमार बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम सर। आप जो 5 साल का अपन रिपोर्ट कार्ड बना के लिया हुआ, एक ही तो 10 मिनट में पढ़ के खत्म हो जाइए, लेकिन जो हम आपका 5 साल का रिपोर्ट कार्ड लिया ली, ओके शायद 8 दिन कम पड़ जाए। सर 20 साल से सुनत रही विकास विकास विकास, कहीं दिखाएल नहीं, लेकिन असली विकास 5 साल से मिलत हो, जो कि 15 साल से हमें शर्म आवतरल बतावे में कि हम घड़ोली कोंडली में रहिला, कैसे यहाँ पे सिर्फ कीचड़ गड्ढा गोबर, चौथा कुछ नहीं, लेकिन 5 साल से अच्छा सड़क, अच्छा रोड, अच्छा बिजली, अच्छा पानी, सब कुछ अच्छा हो। कोई कंप्लेंट है आपकी सर? सब है, अच्छा है। हाँ, हो, हो। अच्छे दिन आ गए। हाँ नहीं नहीं सर, एक कंप्लेंट हो, हमार कोंडली घड़ोली बहुत अच्छा हो गए, अगर यहाँ एक मेट्रो रेल आ जाए तो हम साउथ दिल्ली से कंपेयर कर सकीला, हम कह सकीला कि हम कोनो साउथ दिल्ली से कम में ना रहिला। सो मेट्रो की बहुत डिमांड है कोंडली में, जरूर करेंगे, मेट्रो भी करेंगे। धन्यवाद सर। ये इन्होंने जो बताया, ये आपको थोड़ा एग्जैजरेशन लग रहा होगा, दिल्ली के अंदर कम से कम 50% दिल्ली ऐसी है जो कच्ची कॉलोनियों में रहती है, और कच्ची कॉलोनियों के अंदर सड़कें नहीं होती थी, सड़कें टूटी नहीं कभी, बनी नहीं कभी सड़कें, गलियाँ बनी नहीं, नालियाँ बनी नहीं। इतना बुरा हाल था कि बारिशों के दिनों में अगर आप घर के बाहर स्टेप नहीं कर सकते थे। बहुत लोगों को यकीन नहीं होता कि दिल्ली का ऐसा भी हिस्सा है जहाँ पे कभी सड़कें 70 साल में बनी नहीं है। तो कच्ची कॉलोनी की बात अब बहुत सारी दूसरी पार्टियाँ भी कर रही हैं, लेकिन काम करना जो होता है ना, उसमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ये बिल्कुल बहन जी ठीक कह रही हैं, ऐसी जितनी कॉलोनियाँ थीं, छोटी छोटी कॉलोनियाँ, कच्ची कॉलोनियाँ, छोटे छोटे मोहल्ले, कोने कोने में, दिल्ली के कोने कोने में जाके हम लोगों ने खड़े होकर सारी गलियां बनवाई हैं, सारी सड़कें बनवाई हैं, पानी की पाइपलाइन डलवाई है, सीवर की पाइपलाइन डलवाई है। तो ये 5-6 काम हमने सभी, सड़क, नाली, गली, पानी, सीवर, CCTV कैमरे और अब मोहल्ला क्लिनिक बन रहा है, ये सारी कच्ची कॉलोनी में करवा दिए। एक और सवाल लेते हैं ऑडियंस से, और फिर यहाँ पे भी कई लोगों ने कुछ सवाल हमें दिए हैं, जहाँ पे भी माइक जा सकता है। हाँ, इनको दे दीजिए, यंग वोटर है। गुड इवनिंग सर। सर वी ऑल 3 of us आर फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल। कौन सा स्कूल? सर स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खिचड़ीपुर। बहुत अच्छा। हाउ ओल्ड आर यू? आप देख रहे हैं ये हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे हैं। हाँ। कितनी फर्राटे की अंग्रेजी बोल रहे हैं। सर
want to thank you for the What's your name? Sir, my name is Malvi. Malvi. This is Himani and this is Shiva. How old are you? Very guys? Good. Which I'm class? 17 years. 12th class. All three of you? Yes, sir. Very good. Proud of you. Sir, the world class infrastructure we are getting in the school and the facilities we are getting in the school, they are just, I always thought that government schools can never compete with private schools. But I am from a private school and the difference which I have observed being in a government school is wonderful. So first you I were in, pehle aap private school mein yes, thi? Yes sir, till 10th I was in a private school. Now you shifted 2 years back. Yes sir. Ye pehle private school mein padha karti thi, ab 2 saal pehle sarkari school mein aayi hain. Yes sir. Actually, this is almost this is a miracle. This is a very big achievement of your government. This is almost a miracle. Universally acknowledged that you've yes. made government schools really top class, really very, very good. Aapne ye kaise kiya? How were you able to transform these schools the way that you did and transform logon ka mindset change karna bhi aasan nahi hai. Inse poochte hain aapko kya kya changes nazar aaye school mein. Sir, in the past 2 years, the opportunities that I have got can never compete with the opportunities I got in the 15 years of my private schooling. हम लोगों ने एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया. इंफ्रास्ट्रक्चर पहले सर स्कूल्स की बिल्डिंग्स, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ख़राब होता था जो कि आपको एक हीन भावना देता था. जो भी बच्चे जाते थे कि यार मैं बहुत गंदे स्कूल में पढ़ रहा हूँ. दीवारें टूटी होती थी, छतें टूटी होती थी, डेस्क टूटे होते थे, डेस्क होते नहीं थे. सो हम लोगों ने शिक्षा का बजट आने के बाद एकदम से 100% बढ़ा दिया, डबल कर दिया शिक्षा का बजट. और हमने सारी स्कूल्स की बिल्डिंग्स चेंज करनी चालू की, रीबिल्ड करना चालू किया, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज किया, डेस्क्स वगैरह चेंज किए. जो सबसे इम्पॉर्टेंट था वो था टीचर्स और प्रिंसिपल्स को मोटिवेट करना. उनको हमने सभी प्रिंसिपल्स को फॉरेन भेजा ट्रेनिंग के लिए और जितने टीचर्स थे उनको आईएम्स भेजा ट्रेनिंग के लिए. वो जब ट्रेनिंग करके आए लौट के, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, बहुत ज़्यादा एनर्जाइज्ड थे और उन्होंने आके स्कूल को बदला. और आज हमारे सरकारी स्कूलों के नतीजे प्राइवेट स्कूलों से, इस साल 12th क्लास के हमारे नतीजे 96% हैं और प्राइवेट स्कूलों के नतीजे 93% हैं. वेल डन. बैठिए. थैंक यू. हमारे पास बहुत सारे सवाल यहाँ पे भी हैं एंड आई जस्ट टेक आउट सम ऑफ दीज क्वेश्चंस फॉर पीपल टू आस्क. केजरीवाल जी, एक सवाल ये भी है कि क्या आपको लगता है कि असेंबली के चुनाव में यू आर द फेस ऑफ द आम आदमी पार्टी कैंपेन, आप मुख्यमंत्री हैं, पार्टी के नेता हैं, लेकिन जो आपकी मेन ऑपोजिशन है बीजेपी, उनका कोई फेस नहीं है टू टेक यू ऑन? आपने सेवन फेसेस हैं. तो क्या ये आपको एडवांटेज लगता है? मतलब हैज इट बिकम, हैव इलेक्शंस बिकम पर्सनैलिटी ड्रिवन मोर एंड मोर? जनता तय करेगी, जनता तय करेगी कि किसे वोट देना है. मुझे लगता है काम पे वोट पड़ रहा है. जनता काम देख रही है, काम के ऊपर वोट पड़ रहा है. अब सेंटर में तो नरेंद्र मोदी के लिए वोट डलता है ना, तो पर्सनालिटी तो मैटर करती है. नहीं, मोदी जी तो प्रधानमंत्री बन गए, अब मुख्यमंत्री बनने तो आएंगे नहीं दिल्ली के. प्रचार तो जरूर करेंगे. नहीं, प्रचार करें, उनका स्वागत है. प्रचार दिल्ली उनकी भी है, दिल्ली हमारी भी है, सबकी. अच्छा, ये काफी सारे लोगों ने यहाँ पे सवाल दिए हैं. लोकेश कौशिक है यहाँ पे, क्योंकि लोकेश जी का सवाल बहुत अच्छा है. लोकेश जी पूछ लीजिए. सर नमस्कार, मेरा नाम लोकेश कौशिक है, मैं पटपड़गंज से हूँ. मैं ये जानना चाहता हूँ कि दुनिया की सारी खूबसूरत सिटीज़ हैं, उनके किनारे पे नदियाँ हैं, वो नदियाँ बड़ी खूबसूरत हैं, सिटीज़ बहुत खूबसूरत हैं. दिल्ली को भी ये सौभाग्य है कि यमुना मिली हुई है, बट वो बहुत गंदी है. आप क्या करना चाहते हैं यमुना को साफ़ करने के लिए, क्या करेंगे? यमुना को साफ़ करना चाहिए ना. ये हमारी भी अब आने वाले 5 साल में प्रायोरिटी है. यमुना के अंदर बहुत ज़्यादा सीवर जाके गिरता है दिल्ली का और इंडस्ट्रियल वेस्ट गिरता है. उसको हमने सारा आइडेंटिफाई कर लिया है और उसको पूरा प्लान किया है. और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अगले 5 साल में यमुना को इतना साफ. आप लोगों में से कौन कौन गंगा नहा के आया हुआ है? काफ़ी सारे. काफ़ी सारे. जो जो बुजुर्ग नहीं गए वो हमारी तीर्थ यात्रा का फ़ायदा उठा के जरूर गंगा नहा के आएँ. और अगले 5 साल ये चुनाव छोड़ के, अगले चुनाव के पहले आप सबको यमुना भी नहलवा देंगे. मैं आपके साथ डुबकी लगाऊंगा यमुना में, तो यमुना को इतना साफ कर देंगे हम लोग. तो 5 साल के बाद जब हम दोबारा यहाँ टाउन हॉल करेंगे तो उसमें यमुना यमुना पे करेंगे ना टाउन हॉल. मतलब यमुना पे करेंगे टाउन हॉल, यमुना के किनारे, यमुना के किनारे करेंगे. अच्छा, अभी एक और. अच्छा, एक चीज सीसीटीवी कैमरा में जानना चाहता हूँ कि सीसीटीवी कैमरे से अगर आपके इलाके में कोई फायदा हुआ, एक दो लोग बता दें.
महिलाओं से बताइए। हाँ आप बता दीजिए, ठीक है। बोल दीजिए उसमें। सर नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक तिवारी है, मैं कोंडली विधानसभा क्षेत्र में कोंडली गांव से रहता हूँ। हमारे यहाँ बड़ी परेशानी इस बात की थी कि नशे करने वाले लड़के और किसी तरीके के जो परेशान किया करते थे, लड़कियों को छेड़ा करते थे और बड़ी सारी चीज़ें होती थी, वो स्ट्रीट लाइट और सीसीटीवी के आने से इतना अद्भुत चमत्कार हुआ है कि उन्होंने वहाँ खड़े होना छोड़ दिया। अब महिलाएं रात को आते जाते सुरक्षित महसूस करती हैं। सुरक्षित ही नहीं, रात के 2 बजे भी खटर पटर आप कहीं भी आराम से सुन सकते हैं, कोई इशू नहीं है किसी तरीके का भी। दूसरी चीज ट्रांसपोर्टेशन, कौन सी जगह है जहाँ रात के 2 बजे महिलाएं आराम से घूमती हैं, मेरे को भी बता दीजिए, क्योंकि मैं भी उधर जाना चाहती हूँ। प्लीज कोंडली में आप जाइए, आप कोंडली में जाइए, आपको रात में जो नाइट ड्यूटी करके आते हैं, औरतें भी हैं आदमी भी हैं जिनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, वो रात में आते हैं, और सीसीटीवी के होने से बहुत ज्यादा उसका प्रभाव पड़ा है। वहां पे लड़कों ने रात में खड़े होना, ये कई छीना झपटी करना, ये सब चीजें बिल्कुल बंद हो गई हैं। जो लोफर किस्म के लड़के सड़क पे गलियों में लड़कियों को छेड़ा करते थे वो बंद हो गया बहुत बड़े स्तर पे दिल्ली पे, विच आई थिंक इज अ वेरी बिग थिंग। डेफिनेटली सर। सर चोरियां वगैरह, चोरियां भी बंद हुई हैं, गाड़ियों की चोरियां और भी बहुत सारी चीजें थी जिसकी वजह से बड़ी परेशानी हुआ करती थी सीसीटीवी कैमरे के। इससे और पुलिस को मदद मिलने लगी है, एविडेंस के रूप में सीसीटीवी कैमरे की फुटेज आती है, अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स हुई है और मदद भी मिल रही है। अच्छा। सर स्ट्रीट लाइट के होने की वजह से अब पहले जलने में बहुत दिक्कत हुआ करती थी, बट जब से स्ट्रीट लाइट सारी की सारी हर जगह लग गई है, हमारे यहाँ बहुत अंधेरा हुआ करता था और अब उजाले की वजह से बहुत ज्यादा सुविधाएं हो चुकी हैं, हम कहीं भी किसी भी समय जा सकते हैं, बहुत सुविधाजनक हो चुका है। मैं सबके लिए बहुत धन्यवाद। बता दूं कि स्ट्रीट लाइट्स लगने का काम अभी पिछले हफ्ते शुरू हुआ है और कई जगह लग गई है, लेकिन अगले 3 महीने में दिल्ली के कोने कोने के अंदर कोई भी अंधेरा कोना नहीं होगा, हर जगह स्ट्रीट लाइट्स लग जाएंगे। सर एक बात प्लीज और कहना चाहूंगा, हॉस्पिटल में मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, हॉस्पिटल में जहां बहुत ज्यादा गंदगी और डॉक्टरों का ठीक से ट्रीट ना करना, ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, तो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस वहाँ पे रहा है। कौन सा हॉस्पिटल? लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल, यहाँ पे हमारे ये पर्सनल लोकल हॉस्पिटल है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। एक सवाल हम धीरज है यहाँ पे, धीरज आपने यहाँ पे एक सवाल सबमिट किया था, अगर धीरज यहाँ तो वैसे 10 धीरज होंगे लेकिन आपने पूरा नाम नहीं दिया, चलो मैं आपको धीरज का सवाल पढ़ लेती हूँ। वो कह रहे हैं कि स्टूडेंट के लिए भी बस का किराया फ्री होना चाहिए, अब आप क्या कहेंगे? क्योंकि जब जरूर करेंगे, महिलाओं के लिए जब किया था तो बहुत चुनाव में जीत के आने के बाद फिर स्टूडेंट्स का भी करेंगे फ्री। हाउ विल यू सस्टेन इट, हाउ विल यू पे फॉर इट, पैसा कहां से आएगा? वो निधि जी पूछ रही हैं कि पैसा कहां से आएगा, तो जब हमने महिलाओं का फ्री किया था, यही प्रश्न मुझसे विपक्षी पार्टियों ने पूछा था कि पैसा कहाँ से आएगा, आप तो सरकार को डुबो दोगे। विपक्षी पार्टियों ने कहा कि अगर उनकी सरकार आई तो वो महिलाओं का फ्री किराया बंद कर देंगे। मैं बताता हूँ पैसा कहाँ से आ रहा है। अभी एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपने लिए पर्सनल इस्तेमाल के लिए हवाई जहाज खरीदा है, जैसे आप कार खरीदते हैं अपने लिए, उन्होंने अपने लिए हवाई जहाज खरीदा है, 190 करोड़ का है। हमें महिलाओं का किराया फ्री करने में 140 करोड़ खर्च करने पड़े, तो जहाज से कम, मैं जहाज से कम, तो मैंने अपने लिए जहाज नहीं खरीदा। उस पैसे से इनके सबके लिए, अपने माओं के लिए, बहनों के लिए, बेटियों के लिए हमने किराया मुफ्त कर दिया। पैसे की कमी नहीं है सरकार में, नीयत की कमी है, पैसा तो बहुत है। ये तो बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है आज मुख्यमंत्री की तरफ से कि स्टूडेंट्स के लिए भी फ्री हो जाएगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले केजरीवाल जी मैं आपसे एक दो और सवाल करना चाह रही थी, क्योंकि यहाँ जो लोग बैठे हैं दिस इज़ अ क्वेश्चन दैट अफेक्ट्स देम ऑल्सो। आजकल देश में सिटीजनशिप एक्ट के खिलाफ बहुत प्रोटेस्ट चल रहे हैं, आज गृह मंत्री अमित शाह ने आपका भी नाम लिया है जब उन्होंने अपनी एक रैली करी है जोधपुर में, कहा है कि आप और बाकी जो ऑपोजिशन के नेता हैं यू आर ऑल गैंगिंग अप अगेंस्ट सी ए, लेकिन वो दे विल नेवर गो बैक ऑन दिस। आप अपना स्टैंड क्लियर करेंगे कि आपने तो कहा यू अपोज दिस,
बट दिल्ली में आप क्या कर सकते हैं? कुछ स्टेट्स कह रहे हैं कि हम तो इसको लागू करेंगे नहीं, एनआरसी और सीएए को नहीं आने देंगे, आप क्या करेंगे? एक्चुअली मेरे को ये कानून समझ नहीं आ रहा बिल्कुल. तो मैं जैसे अभी 2-4 दिन पहले बुराड़ी गया था, वहाँ पे मुझे एक शख्स मिले, उनका नाम था सतीश पांडे, बिहार या यूपी से आए हैं दिल्ली. उनसे बातचीत हो रही थी, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि आपके पास अपना जन्म प्रमाण पत्र है सरकार द्वारा जारी किया गया? उन्होंने कहा नहीं. बोले मैं तो घर में पैदा हुआ था और उन दिनों में तो कोई प्रमाण पत्र वगैरह तो कहाँ होते थे. तो मैंने कहा आपके माँ बाप का? बोले जब मेरा ही नहीं है तो माँ बाप का कहाँ से होगा. तो मैंने कहा फिर क्या करोगे? फिर तो आपको देश छोड़ के जाना पड़ेगा. तो ये मेरे को समझ नहीं आ रहा कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास सरकार द्वारा जारी किया गया अपना प्रमाण पत्र है और अपने माँ बाप का प्रमाण पत्र है. जरा हाथ खड़े कर दो. बहुत कम लोग हैं, 10 या 12 लोग हैं पूरे ऑडियंस में, और इसमें 700-800 लोग बैठे हैं, उससे ज्यादा बैठे हैं, 1000 के करीब लोग बैठे हैं, और 15-20 लोगों के हाथ उठे हैं. बाकी सबको देश छोड़ के जाना पड़ेगा, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, चाहे हिंदू हो. ये एक गलत फहमी है. उन्होंने, पांडे जी ने मेरे से कहा कि सर मैं तो हिंदू हूं. तो मैंने कहा कि कानून में ये लिखा है कि जो पाकिस्तान से हिंदू आएगा उसके कागज केंद्र सरकार बनवा देगी, भारत का जो हिंदू होगा उसके पास कागज नहीं होंगे तो उसे देश छोड़ के जाना पड़ेगा. आप कब पढ़ लो कानून अगर मैं गलत हूं तो. वो तो, लेकिन तो मैं ये सोचने की कोशिश कर रहा था, ये इस कानून की जरूरत, पाकिस्तान के हिंदुओं से तो इतना प्यार और हमारे देश के हिंदुओं को देश छोड़ के जाना पड़ेगा कागज नहीं होंगे तो, ये तो इस कानून की जरूरत क्या थी? अभी नौकरी है नहीं लोगों के पास, दुकानें बंद हो रही हैं, अर्थव्यवस्था का बुरा हाल है. हम सबको मिलके इसके बारे में चिंता करनी चाहिए कि जबरदस्ती का कोई कानून लाके और पूरे देश के अंदर इतना ज्यादा बवाल मचा हुआ है, क्या जरूरत थी इसकी? तो आप पूरा का पूरा विरोध कर रहे हैं सीएए और एनआरसी का, और हालांकि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं पिछले कुछ दिनों में कि इसका हमने कोई लिंक नहीं किया है. गृह मंत्री ने कल ये भी कहा है कि एनआरसी की तो अभी हम बात ही नहीं कर रहे हैं. कब करेंगे? अभी कह रहे हैं अभी बात नहीं हो रही. कब करेंगे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप तो इतनी बड़ी पत्रकार हैं, आपको तो पता होगा. अब उन्होंने तो मैनिफेस्टो में डाला है एनआरसी करेंगे, बोला भी है पहले, पार्लियामेंट में भी बोला है. सो वो कभी ना कभी तो करेंगे ना. वो देखिए, शब्दों के छलावे से कोई फायदा नहीं है, वाक्यों के, भाषा के छलावे से कोई फायदा नहीं है. इस कानून की इस देश को कोई जरूरत नहीं है. अपने देश के अंदर बहुत बेरोजगारी है. वो कह रहे हैं पाकिस्तान से 2 करोड़ हिंदू लाएंगे, उनको कहाँ बसाएंगे जी? अपने बच्चों के लिए नौकरी नहीं है, अपने बच्चों के लिए घर नहीं है, वहाँ से लाके 2 करोड़ लोगों को कहाँ बसाएंगे, कहाँ नौकरी देंगे, कहाँ उनको घर देंगे? अपने वालों को तो कर लो पहले, फिर ले आएंगे, बाकी दुनिया को भी ले आएंगे फिर. मेरा एक आखिरी सवाल इस पे है केजरीवाल जी, ये जिस तरह से हम प्रोटेस्ट देख रहे हैं, छात्र इसमें बहुत सारे हैं, आपने इस पे ज़्यादा बोला नहीं है, जो प्रदर्शन हो रहे हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन आप क्या बोलेंगे इस पे? आपको क्या मैसेज आ रहा है जो इस कंट्री मेरा का यूथ मैसेज है, ये है, वो क्या केंद्र सरकार से निवेदन है, हाथ जोड़ के अपील है, आइए मिलके, सारा देश मिलके अपने बच्चों के लिए रोजगार का इंतजाम करते हैं. ये लफड़े छोड़ो, इसमें कुछ नहीं रखा. इस टाइम हमारी प्याज पता है क्या रेट चल रहा है आजकल? 100 से ऊपर चल रहा है, है? 100 रुपए से ऊपर चल रहा है, 140 भी हो चुका है. 150 रुपए चल रहा है. हाँ, 140. 150 रुपए प्याज चल रहा है. अभी अभी मैं फाइल साइन करके आ रहा हूँ. दिल्ली में हम प्याज अब 65 या 70 रुपए फिर बेचेंगे. पहले हमने बेचा था ना सस्ता प्याज, अभी फिर बेचेंगे, हम उसकी तैयारी कर रहे हैं. तो 150 रुपए महंग किलो प्याज चल रहा है, आलू बहुत महंगा हो गया है. तो जो केंद्र सरकार के मंत्री ये बात कर रहे हैं, उनको तो प्याज खरीदने जाना नहीं पड़ता, प्याज तो बेचारे ये खरीद के लाते हैं, लेकिन और इन्हीं को घर देश से बाहर निकालोगे. लेकिन केजरीवाल जी, आप जामिया नहीं गए, आप जहाँ बच्चे जहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, आप क्यों नहीं गए उनसे? मेरा काम दिल्ली के अंदर शांति व्यवस्था बनाए रखना है. मुझे जनता ने वोट इसलिए दिया है कि दिल्ली की तरक्की हो और दिल्ली के अंदर शांति व्यवस्था बनी रहे,
और वही काम मैं कर रहा था। अपनी हर तरीके से मेरी कोशिश ये थी कि कहीं भी किसी भी तरह की हिंसा नहीं होनी चाहिए, कहीं भी किसी भी तरह का बवाल नहीं होना चाहिए। प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट रहे, किसी भी तरह की पुलिस की एक्सेस नहीं होनी चाहिए। उसके लिए मुझे जो भी कदम उठाने पड़े वो सभी कदम मैं उठा रहा था। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं और बैक टू द ऑडियंस क्वेश्चंस। यहाँ वीना चंद्रा जी हैं। वीना चंद्रा, यस मैम, आपका क्वेश्चन भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, इनको माइक दे दीजिए। मुझे आपकी तरह खांसी होगी। नहीं नहीं, मैं पी रही हूँ, आपसे टिप्स लेने पड़ेंगे। नमस्कार आपको, हाथ जोड़ के मैडम आपको नमस्कार, सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं गवर्नमेंट स्कूल में, दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थी, लिंक रोड पे बीएमसी स्कूल के साथ में जो था। मैं 96 की हालत और आज कंपेयर करती हूँ मैं, तो डे एंड नाइट का फ़र्क है उस स्कूल में। तो आपको क्यों ना ये जो रिपोर्ट कार्ड आप लेकर आए और पब्लिक के साथ है, ये तो ये लगा लो 101% सक्सेसफुल है आपका। थैंक यू सो मच। और आगे भी अब हमारे बच्चों के लिए क्या होगा, ये जैसे मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, रिक्वेस्ट बाय, ये जो एयर पोल्यूशन है ना, आप उसको भी लेके चलिएगा, क्योंकि आपके कुछ सुझाव हैं उस बारे में। ये जो आपने चलाया था ये गाड़ी का ऑडिवन, इसको दोबारा अगर आप रिपीट करें तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हर जगह ये इतना ट्रैफिक मुझे होता बेहद है ना। खुशी है और मुझे अपने दिल्ली के लोगों पे नाज है कि आप लोगों ने ऑडिवन सक्सेसफुल करके दिखाया, क्योंकि हम खुद ड्राइव करते हैं ना, तो हमको ही पता है कि इतना घंटे घंटे जो हम रोड में रहते हैं, इतना डिस्टेंस होता नहीं है हमारे वहाँ जाने का, लेकिन जो रोड में ट्रैफिक जाम होता है ना, उसमें लेडी परेशान हो जाती बहुत है ज्यादा। तो उसके लिए आप, मेरी रिक्वेस्ट है, ट्रैफिक पे भी काम करेंगे, पोल्यूशन पे भी काम करेंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको नाजायज स्कूल से छुट्टी करानी पड़ती है हमारे को ना, बिल्कुल। जहाँ जहाँ देखती हूँ मैं, अभी भी जैसे जाती हूँ कहीं भी कॉलोनीज में चली जाती हूँ, बेचारे लोअर क्लास के लोग हैं बेचारे, उनके उनके बच्चों को देखती हूँ मैं, पूछती हूँ उनसे स्कूल ना जाने का कारण पूछती हूँ, आए दिन वो बेचारे बीमार पड़े रहते हैं पोल्यूशन की वजह से, खाने का भी हद, तो पोल्यूशन को भी लेके तो चले। आप इन्हें जवाब देने दीजिए, क्योंकि पोल्यूशन का जो है केजरीवाल जी, पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में दोबारा पोल्यूशन आ गया है, सीवियर है। अब स्टबल बर्निंग तो नहीं हो रही है, तो ये सीवियर पोल्यूशन कहाँ से आ रही है? दिल्ली का अपना पोल्यूशन है, दिल्ली का अपना पोल्यूशन इंडस्ट्री की वजह से है, डस्ट की वजह से है, व्हीकल्स की वजह से है, तरह तरह से दिल्ली का अपना पोल्यूशन है। तो सर्दियों के अंदर ये अक्सर केवल दिल्ली नहीं, देश के, दुनिया के कई शहरों में देखा गया है, सर्दी में टेम्परेचर इन्वर्जन का फिनोमेना होता है। गर्मियों में क्या होता है कि जितना धुआं बनता है, जितना पोल्यूशन होता है, वो ऊपर उड़ जाता है। सर्दियों के अंदर टेम्परेचर इन्वर्जन की वजह से धुआं ऊपर नहीं उड़ता और वो सारा का सारा नीचे ही रह जाता है और वो नीचे एक तरह से गैस चैम्बर बन जाता है। तो दिल्ली में अपना जो पोल्यूशन है, इसको अपने को और कम करना पड़ेगा। आप लोगों ने सबने मिलके पिछले 5 साल में फरवरी से लेके अक्टूबर तक हमारा पोल्यूशन 25% कम हो गया पिछले 5 साल में, लेकिन अक्टूबर से लेके फरवरी के बीच में पहले एक महीना अक्टूबर नवंबर में पराली की वजह से होता है और फिर सर्दियों की वजह से, इसको भी अपने को कम करना है और कम करेंगे। मुझे लगता है जैसे जब और बसें आएंगी, अब 4,000 बसें आ रही हैं, इलेक्ट्रिक बसें आएंगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आएंगे, अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी हमने निकाली है, तो उससे पोल्यूशन कम होगा। डस्ट को रोकने के लिए मैकेनिकल स्वीपिंग करेंगे और छिड़काव करेंगे, इससे पोल्यूशन कम होगा। तो कई सारे स्टेप्स उठाने वो है, लेकिन एक एक क्रिटिसिज्म ये भी आता है कि जब पोल्यूशन लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं तो हमारे स्कूल बहुत लेट बंद हो जाते हैं, मतलब इट शुड हैपन अर्लियर। कई बाकी सिटीज़ में भी जो इमरजेंसी मेजर्स होते हैं वो पहले लागू हो जाते हैं और हम बहुत एंड तक वेट करते हैं बिफोर वी इम्प्लीमेंट दोज। ये एक क्रिटिसिज्म रहा है पेरेंट्स का, स्टूडेंट्स का, साइंटिस्ट भी कहते हैं। सो इज देयर अ वे वी कैन चेंज दैट वी रिस्पॉन्ड फास्टर, मतलब स्कूल को बंद कर दो जब AQI एक सर्टन लेवल तक आ जाए? वो तो हमारा ये है, ग्रैप करके है, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन, बहुत देर के बाद आता है वो, नहीं, जब उसका तो वो देर सांस नहीं ले पाते तभी बंद हो जाते हैं स्कूल। तो स्कूल की छुट्टी ज्यादा कर दी जाए? हाँ, वो सेहत का सवाल है, वो बच्चे खुश हो गए बच्चे की नाराज हो गए, सेहत का सवाल है ना। नहीं नहीं, करेंगे, बिल्कुल करेंगे, नेक्स्ट टाइम थोड़ा जल्दी कर देंगे। ओके, लेट मी सी व्हाट एल्स देयर इज। वीना जी, आपका एक और भी सवाल था शायद, बट आप इसे नहीं, किसी और से पूछेंगे। ऊपर ऊपर किसी के पास माइक है? यहाँ पे कई लोगों ने जो सवाल डाले हैं ना, उसमें सिर्फ आपकी तारीफ कर रहे हैं, सवाल तो पूछा ही नहीं है। माइक दे दीजिए ऊपर भी किसी को, अगर माइक ऊपर दे सकते हैं। हाँ, किसी के पास है? हाँ जी, पूछ लीजिए अपना सवाल, पूछ लीजिए।
हेलो सर, मैं उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर का रहने वाला हूँ। 1998 में मैं दिल्ली चला आया क्योंकि मेरी माँ की देहांत हो गई। वहाँ सदर हॉस्पिटल है जौनपुर के अंदर में, उनको वहाँ पे एडमिट किया था। उनका देहांत इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन नहीं था। और आज दिल्ली में हूँ, गर्व से कहता हूँ कि आम आदमी पार्टी आई है, आपकी सरकार है। मेरी मैडम कहता हूँ कि जब तक अरविंद जी की सरकार है मेडिक्लेम की जरूरत नहीं है। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। घर पे भी बोलता हूँ, सबको बताता हूँ कि दिल्ली एक पूरी हमारे हिंदुस्तान का शहर है जहाँ पे सारी फैसिलिटी मिल रही है। तो सर ऐसे आप लगे रहिए, हम लोग आपके साथ हैं, रातों दिन आपके साथ खड़े रहेंगे। बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, कुछ सवाल वीडियो से भी आए हैं क्योंकि सब लोग यहाँ पे भेज नहीं पाए, तो जो वीडियो पे सवाल है कैन बी रन दोस। मेरा नाम राकेश है और केजरीवाल जी से मेरा एक सवाल है, जो रोजगार मेला जो आयोजन किए थे केजरीवाल जी ने, क्या आगे भी आने वाले 5 साल में आयोजन किया जाएगा रोजगार मेले का? मेरा नाम राकेश। बिल्कुल किया जाएगा। मैं पर्सनली अपने युवाओं के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित रहता हूँ क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और अगर बेरोजगारी को जल्दी सभी सरकारों ने मिलके, इसमें एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करने से फ़ायदा नहीं होगा, केंद्र सरकार राज्य सरकारें सभी को मिलके हमें रोज़गार को तुरंत समाधान करना पड़ेगा। मुझे ये सोमनाथ भारती जी जो हमारे MLA हैं, उन्होंने एक किस्सा सुनाया जिसमें उन्होंने बताया कि कोई उनके इलाके में एक शख्स चोरी करता हुआ पकड़ा गया CCTV कैमरे की वजह से। जब उससे पूछा तो उसने बताया, जी मैं 80,000 रुपये महीने की नौकरी करता था, 8 महीने पहले मेरी नौकरी छूट गई, 8 महीने से मेरे पास कुछ नहीं है, बताओ मैं क्या करूं। अगर बेरोजगारी को हमने सॉल्व नहीं किया, लॉ एंड ऑर्डर की हमारे लिए सीरियस प्रॉब्लम बन सकती है, कितनी भी पुलिस लगा लेना उसके बाद पुलिस के कंट्रोल में आने वाला नहीं होगा। सो मेरा अपना ये मानना है कि हम सबको मिलकर रोजगार की तरफ ध्यान देना चाहिए, और मैं मानता हूं कि अगर सारी सरकारें अच्छी नीयत के साथ मिलकर काम करें, हम अपने बच्चों के लिए रोजगार की नई नई अपॉर्चुनिटीज खोल सकते हैं। आपके लिए एक सवाल फेसबुक पे भी आया है, आदर्शा हैज रिटन सेइंग दैट सर व्हाट आर योर प्लान्स टू इंप्रूव ट्रांसपोर्ट इन दिल्ली, आर यू प्लानिंग टू रीहॉल DTC ऑन द लाइंस ऑफ द दिल्ली मेट्रो, आर यू प्लानिंग ऑन ट्रांसफॉर्मिंग बस शेल्टर्स, डिपोज, टर्मिनल्स, बसेस आर स्टिल द कॉमन मैन्स ट्रांसपोर्ट, सो शी वॉन्ट्स टू नो अबाउट दैट। ये सारी चीजें करेंगे। एक तो अब बसें आ रही हैं खूब, लगभग 4,000 बसें अभी आजकल तो रोज ही अखबार में पढ़ते होंगे, हर हफ्ते नई बसें आ रही हैं, हर हफ्ते तो खूब सारी बसें आ चुकी हैं, और अगले 4-5 महीने में 4,000 तक बसें आ जाएंगी, इसमें 1,000 इलेक्ट्रिक बसेस हैं। उसके अलावा हम एक नई पॉलिसी लाने जा रहे हैं जिसके तहत लग्जरी बसेस प्राइवेट सेक्टर को अलाउ करेंगे कि वो अपनी लग्जरी बसेस चला सकता है, उसमें टिकट काफ़ी ज़्यादा होगा लेकिन जो कार इस्तेमाल करने वाले लोग हैं वो सब, वो हम चाहते हैं कि उनको एयर कंडीशनड और अच्छी सीट मिलने वाली, वीडियो वाली, सारी अंदर सुविधाओं वाली बसेस मिलें, तो वो भी काफ़ी सारी बसेस आएंगी। उससे मुझे लगता है कि दिल्ली के अंदर ट्रैफिक काफ़ी कम होगा और मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास भी, जैसे जब मेट्रो आई थी तो काफ़ी मिडिल क्लास ने अपनी कार छोड़ के मेट्रो में शिफ्ट किया था, वो भी इस बसेस में शिफ्ट करेंगे। फिर हम कोशिश ये कर रहे हैं कि सारे ट्रांसपोर्ट सेक्टर को किसी तरह से इंटीग्रेट किया जाए, मेट्रो, बस, ये इनका एक ही कार्ड हो, एक ही कार्ड खरीद के आदमी ट्रैवल कर सके, तो कई सारे स्टेप्स ट्रांसपोर्ट को ठीक करने के लिए। हमारे पास वीडियो पे एक और सवाल आया है, कैन वी रन दैट, आने वाला है। मेरा सवाल केजरीवाल जी से है, सर आप दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी कैसे बनाओगे? क्या क्या शिक्षा अच्छी की, चलो मैं इसी से मैं से पूछता हूँ भाई, इसमें जो जो मैंने पॉइंट लिखे हैं, जिस जिसको लगता है शिक्षा अच्छी की जरा हाथ खड़े कर दो, ये कैमरे वाले थोड़ा दिखा देना इनको सबको, जिस जिसको लगता है अब हाथ नीचे कर लो, जिस जिसको लगता है कि हेल्थ में अच्छा काम किया, अस्पताल अच्छे किए, हाथ खड़े कर दो, जिस जिसको लगता है बिजली ठीक कर दी, सस्ती कर दी, 24 घंटे कर दी, हाथ खड़े कर लो,
बिजली फ्री से बड़े खुश हैं। जिस जिस को लगता है पानी के क्षेत्र में काफी काम हुआ है हाथ खड़े कर दो। अच्छा वो कह रहे हैं हाथ खड़े ही रखो। तो ये सारी चीजों के ऊपर जिसको लगता है अच्छा काम किया वो हाथ नहीं। लेकिन वर्ल्ड क्लास सिटी अगर आपको बनानी है तो सबसे पहले प्रदूषण को खत्म करना है। यू हैव टू एंड पोल्यूशन। दिल्ली को साफ भी करना होगा। बिकॉज आप एंड विमेन सेफ्टी दीज थ्री रोड्स को रीडिजाइन कर रहे हैं हम। विमेन सेफ्टी पोल्यूशन मैंने कहा, यमुना वाटर ट्रांसपोर्ट, ये कुछ सेक्टर्स हैं इंपॉर्टेंट और बड़े सेक्टर्स हैं जिस पे हमें काम करने की जरूरत है। डू यू कंसीडर दैट दिस हैज बीन वन ऑफ योर शॉर्टकमिंग्स एज चीफ मिनिस्टर, द इनएबिलिटी टू डील विद द पोल्यूशन प्रॉब्लम, बिकॉज इट्स अ बिग प्रॉब्लम। आई नो, लेकिन देखिए 70 ये तो भाजपा भी कहती है इससे 5 साल में तो सॉल्व नहीं हो सकती। ये तो भाजपा भी कहती है। नहीं, पर हमने 5 साल में पोल्यूशन को 25% कम किया, ये तो डेटा कह रहा है, हम नहीं कह रहे। पार्लियामेंट में केंद्र सरकार ने रिपोर्ट प्रेजेंट की है, सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी तारीफ कर रही है। कैन यू बिलीव इट, कैन यू बीट दैट? उन्होंने रिपोर्ट की है प्रेजेंट की 25% दिल्ली में पोल्यूशन कम हो गया, पर 25% से काम नहीं चलेगा, हमें अभी और कम करना है। आने वाले टाइम में करेंगे, बहुत कम करना। एक दो सवाल और ले सकते हैं अभी। आराम से प्लीज। ऊपर वालों को गिला शिकवा है। हाँ जी, वो मैडम जो ऊपर खड़ी है उनको माइक दे दीजिए। हाँ जी, बोल दीजिए। नमस्ते सर, मैं मीनाक्षी बोल रही हूँ। मैं ई ब्लॉक वेस्ट विनोद नगर में रहती हूँ। मेरे हस्बैंड थे विनेश, उनका एक्सीडेंट हो गया था 2017 में, ट्रैफिक में थे वो, ऑन ड्यूटी एक्सपायर हो गए थे। अरविंद केजरीवाल सर ने हमें 1 करोड़ रुपए दिए थे और उन पैसों से ज़्यादा इन्होंने जो मेरे पति के लिए सम्मान और जो सम्मान रखा था उससे मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं जहाँ भी जाती हूँ अपने पति का नाम बताती हूँ तो मुझे पहचान लेते हैं कि कौन मीनाक्षी, ये विनेश की वाइफ मीनाक्षी है। उससे आज तक किसी भी पुलिस वाले को रोड एक्सीडेंट में कितने पुलिस वाले चले जाते हैं लेकिन आज तक कभी किसी को शहीद का नाम नहीं दिया, सिर्फ फौजियों को शहीद का नाम मिलता था। अरविंद केजरीवाल सर ने पुलिस वालों को भी एक शहीद का नाम दिया है तो शहीद के नाम से गर्व महसूस होता है। ये नहीं लगता कि मेरा हस्बैंड खत्म हो गया, ये लगता है मेरे पति शहीद हो गए, उससे सब सम्मान करते हैं हमारा। आपको पता है कि इसके पहले दिल्ली पुलिस का अगर कोई सिपाही शहीद होता था उसको शहादत के बाद क्या मिलता था? एक सिलाई मशीन मिलती थी उसके विधवा को, बस। अब हम लोग उनकी शहादत को, दिल्ली पुलिस में मोस्टली हमारे जो सिपाही हैं वो अपनी जान की बाजी लगा के हम सब लोगों की रक्षा करते हैं, और अगर उनके साथ अगर कभी कोई हादसा हो तो सरकारों की और समाज की जिम्मेदारी है कि वो उनके रक्षा उनके लिए खड़े हों। तो अब हम लोग 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देते हैं और उनके परिवार से एक व्यक्ति को नौकरी देते हैं। रौनक जी हैं यहाँ पे, रौनक खत्री। रौनक खत्री, आपका एक सवाल था, इज ही हियर? मैं, उनका सवाल था स्पोर्ट्स स्टेडियम को लेकर। वो कह रहे हैं कि द स्पोर्ट्स स्टेडियम हैज नॉट बीन डेवलप्ड मच, आप इसके लिए क्या करेंगे टू इंसेंटिवाइज स्पोर्ट्स? अभी हम स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, पता है आप लोगों को? स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बना रहे हैं जिसमें सब किस्म के स्पोर्ट्स को, स्पोर्ट्स में अब डिग्री दी जाएगी। जैसे हम कहते थे ना कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलों को कूदोगे होगे खराब, वो इसलिए कहते थे क्योंकि अगर बच्चा खेलता रहता तो उसको खेल से में डिग्री नहीं मिलती। अगर हमारे घर में कोई बच्चा है बैडमिंटन में बहुत अच्छा है, वो सुबह शाम बैडमिंटन की प्रैक्टिस करता है, वो नहीं पढ़ता अपने सब्जेक्ट, लेकिन उसको बैडमिंटन में बीए तो नहीं मिल सकती, एमए तो नहीं मिल सकती, और नौकरी लेने के लिए बीए एमए की जरूरत पड़ती है। तो हम बैडमिंटन में बीए की डिग्री देंगे, कबड्डी में हम बीए की डिग्री देंगे, तो वो कबड्डी भी खेले, वो स्पोर्ट्स भी खेले और उसको डिग्री भी मिल जाएगी। तो इससे स्पोर्ट्स को बहुत बढ़ावा मिलेगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इम्प्रूव कर रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल स्ट्रक्चर को भी ठीक कर रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ।
आई हैव सीन योर पोलिटिकल करियर फॉर मेनी ईयर्स नाउ और आप में मैंने एक बदलाव देखा है. यू यूज टू बी द एंग्री यंग मैन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स और पिछले एक दो सालों में मैंने देखना यू आर नॉट एज एंग्री एंड अग्रेसिव एज यू यूज टू बी. मतलब जिस तरह से आप प्रधानमंत्री को अटैक करते थे, पर्सनली अटैक करते थे, अब आप ऐसा नहीं करते हैं. इज दैट अ वेरी कॉन्शियस डिसीजन? ये सारे मीडिया वाले मेरे को चाहते हैं. कोई इंटरव्यू हो, सारे यही कहेंगे जी उनको अटैक क्यों नहीं करते. नहीं, मैंने ये नहीं कहा. मैंने कहा कि ये क्या कोई कॉन्शियस चेंज किया आपने अपनी पर्सनालिटी में? ऐसा नहीं है. मैंने बार बार यही कहा है कि मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है. मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हूँ, किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं हूँ. मेरा मकसद, इन लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास करके मुझे इतनी बड़ी कुर्सी पे बिठा दिया, इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी. अब मेरा मकसद है कि इनके लिए मैं 24 घंटे काम करूं. अब अगर दिल्ली के लोगों का कोई काम फंस जाता है केंद्र सरकार में, तो हम पहले जाते हैं उनके हाथ जोड़ते हैं, वो नहीं मानते फिर उनके पैर पकड़ते हैं, फिर वो नहीं मानते तो फिर कभी कभी धरने पे भी बैठना पड़ता है. वो तो कम हो गया ना, मैं वही कह रही हूँ. तो जैसे अभी दो साल पहले हमारी ये जो सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं, ये सीसीटीवी कैमरों के लिए बहुत संघर्ष किया हम लोगों ने. 2.5 साल तक एलजी साहब सीसीटीवी कैमरों की फाइल क्लियर नहीं की उन्होंने, वो लेके बैठ गए. हम बार बार जाते, हाथ जोड़ते, पैर पकड़ते, सर कर दीजिए सर कर, हाँ बस अभी कर रहा हूँ, अगले हफ्ते कर दूंगा. फिर एक दिन मैं और मनीष जी गए, हमने कहा सर कर दीजिए, हाँ बस अभी कर रहा हूँ, अगले हफ्ते कर दूंगा. हमने कहा जी हम भी यहीं बैठे हैं, अब करवा के ही जाएंगे. तो वो 10 दिन बैठे हम, फाइल साइन हो गई, तुम्हारे सब लोगों को सीसीटीवी कैमरे मिल गए. अब अगर मैं नहीं बैठता, फिर आप कहते हो कि केजरीवाल लड़ता है ये वो, पर मैं इन्हीं के लिए लड़ता हूँ. क्या आपने डिसाइड किया दो की दैट योर पार्टी विल फोकस लार्जली ऑन दिल्ली, क्योंकि आपने कोशिश करी थी पंजाब में, यू डिड. आवर पार्टी विल फोकस मेनली ऑन वर्क इन दिल्ली. हमारी पार्टी, हम लोग केवल और केवल देश के लिए समर्पित हैं, समाज के लिए समर्पित हैं, लोगों के लिए समर्पित हैं. हमें किसी से गाली गलौज करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें किसी के खिलाफ बोलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अगर समाज के साथ कभी भी अन्याय होगा तो हम उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाएंगे. हमारे एक व्यूअर ने सवाल पूछा है कि ये जो इशू है दिल्ली में, जो आग लगी है कई जगह, लॉस ऑफ लाइफ एट्सेट्रा, फायर सेफ्टी को लेकर बहुत परेशानी है लोगों में, उस पर आप क्या कर सकते हैं? व्हाट इज विद इन योर पावर्स एंड व्हाट इज इट दैट यू कैन डू? इसके लिए मैं भी बहुत चिंतित हूँ. स्पेशली पिछले कुछ दिनों में कई जगह से ये इंसिडेंट्स सुनने को मिले हैं और अभी सब जगह हमने इंक्वायरी ऑर्डर की है. इंक्वायरी की रिपोर्ट्स आ जाने दीजिए. अगर कोई कॉमन पैटर्न या कुछ ऐसी चीज़ नज़र आती है जिस पे हम लोग खुद कुछ कर सके, तो वो सारे कदम हम उठाएंगे. आपके आपके दायरे में, मतलब हमारे दायरे में हो, दूसरों के दायरे में हो, सबसे, उनसे भी करवा लेंगे, चिंता मत करो. सीमा माथुर जी हैं, सीमा माथुर, उन्होंने भी एक सवाल किया है. आप हैं सीमा? हाँ जी. नमस्कार सर. नमस्कार. मैं कोंडली विधानसभा से सीमा माथुर बोल रही हूँ. सर आपसे एक सवाल पूछना, ये कि गाजीपुर में जो कूड़े का पहाड़ है उसका क्या समाधान है, और इससे आम जनता को बहुत ही ज़्यादा असुविधा हो रही है. ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है. गाजीपुर जैसे 3 पहाड़ हैं दिल्ली के अंदर जो बहुत बड़े दिल्ली के लिए एक नासूर बने हुए हैं, वहाँ पे आसपास रहने वाले लोगों के लिए भी और पूरी दिल्ली के लिए भी. तो वैसे ये MCD के दायरे में आते हैं, नगर निगम के दायरे में आते हैं, लेकिन इस बारे में मैं समय समय पे LG साहब से चर्चा करता रहता हूँ और LG साहब ने जो मुझे बताया कि अब इसमें कोर्ट्स का भी दखल अंदाजी काफ़ी ज़्यादा है. 3 पहाड़ों को ख़त्म करने के लिए कई सारे प्रयास नगर निगम, LG साहब और हम लोग मिलके कर रहे हैं. मुझे उम्मीद है, क्योंकि कई सालों का ये पहाड़ भी कई सालों में खड़े हुए हैं, मुझे उम्मीद है आने वाले कुछ सालों के अंदर अपने को इन पहाड़ों से भी मुक्ति मिलेगी, ज़रूर मिलेगी. दिल्ली की सफाई भी करेंगे, दिल्ली की सड़कें भी साफ़ नहीं होती हैं, दिल्ली की सड़कों को भी साफ़ करेंगे, नालियाँ भी भरी रहती हैं, नालियों को भी साफ़ करेंगे. दिल्ली को साफ़ सुथरा और बिल्कुल सुंदर शहर बनाना मेरा सपना है, हम सब लोग मिलके करेंगे.
क्या आपको लग रहा है कि केंद्र के साथ काम करने में कुछ मतलब इट हैज बिकम अ लिटिल बिट बेटर इन द लास्ट कपल ऑफ इयर्स? एक्चुअली पिछले साल सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था, तो उस ऑर्डर के पहले स्थिति ये थी, वो ये कह रहे हैं कि आप कम बात कीजिए, उनसे ज्यादा बात करवाइए ये भी जरूरी है। तो पिछले साल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था, उस ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली के अंदर तीन सब्जेक्ट्स छोड़ के, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर एंड लैंड, बाकी सब मुद्दों में दिल्ली सरकार फाइनल अथॉरिटी है, एलजी फाइनल अथॉरिटी नहीं है। उसके बाद पहले सारी फाइलें एलजी साहब के पास जाया करती थी, उसके बाद हमें कुछ काफ़ी पावर्स मिल गई। तब से कुछ लोग ये जो आरोप लगाते हैं ना कि केजरीवाल अभी चुनाव के पहले क्यों इतने काम कर रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वजह से है। पिछले एक साल से हम लोगों को अपने काम करने की ताकत मिली है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वजह से, जिसकी वजह से इतने काम अभी आप देख रहे हैं। मेरा एक ही राजनीतिक सवाल आखिरी है, और ये है कि आजकल जो आप पॉलिटिकल सिनेरियो देख रहे हैं देश में लोकसभा चुनाव के बाद, अभी दिल्ली की बात करते हैं, ओवरऑल एक बताइए, क्योंकि आप यू आर एन इम्पोर्टेंट ऑपोजिशन लीडर, तो वॉट इज द मैसेज यू थिंक दैट द पीपल ऑफ इंडिया आर गिविंग? जिस तरह से असेंबली इलेक्शन के चुनाव के रिजल्ट आए हैं लोकसभा के बाद, आप किस तरह से नेशनल पॉलिटिकल सीन को देखते हैं? मुझे लगता है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी जीतेगी। इसीलिए आप स्मार्ट पॉलिटिशियन है। फिर मैं एक और सवाल पूछूं आपसे, जनता को पूछने दीजिए, जनता को, आपकी असेंबली अगर आप वापस आए, will you reject this citizenship bill like other states have done, like Kerala, would you pass a similar resolution? मैंने आपको कहा कि आप resolution pass करेंगे, इस bill की जरूरत ही नहीं है, आप resolution pass करेंगे, इस bill की जरूरत ही नहीं है, और सब लोगों को मिलके, पूरे देश को मिलके इस बिल को रिजेक्ट कर देना चाहिए। तो आप असेंबली में रिजेक्ट, और पूरे केंद्र सरकार को इस बिल को रिजेक्ट कर देना चाहिए। आप असेंबली में करेंगे कि नहीं? मेरा वही, जैसे आप जैसे लोग जो है ना, वो टेक्निकलिटीज के अंदर तो देश को घुमा रहे हैं। केंद्र सरकार ने एक पासा फेंका है और आपने उसको पकड़ लिया है। आज देश के अंदर जो हालात हैं उसको, इस पूरे, उसके लिए मैं काफ़ी हद तक मीडिया को भी जिम्मेदार मानता हूं, जिस तरह से इस पूरे मुद्दे को उठाया गया है। मुद्दा तो सीरियस है, मुद्दा सीरियस है, उसको इस तरह से हल्के में नहीं लेना चाहिए जैसे आप ले रही हैं। नहीं, हम, मेरा अपना ये मानना है कि पूरे देश को मिलके इस बिल को रिजेक्ट कर देना चाहिए, पूरे देश को मिलके इस वक्त अपने बच्चों के रोजगार पे बात करनी चाहिए। ये क्या मतलब है कि इसको देश से निकाल दो, उसको देश से वो कर दो, जिसके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है उसको प्रमाण, उसको मैं इसीलिए आपसे पूछ रही हूँ कि क्या असेंबली में अगर आपका बहुमत होगा आप इसे रिजेक्ट करेंगे? रुक जाएगा? नहीं, लेकिन स्टैंड तो आप, तो आप क्यों फॉर्मेलिटी में पड़ी हुई है? तो केरला असेंबली क्यों नहीं सही डिबेट शुरू करती? इस देश का, केरला, इस देश का सही डिबेट ये नहीं है जो आप पूछ रही है। मेरा मकसद है कि सारा देश मिलके पहले इस बिल को समझे, इस बिल को आप लोगों ने मिलके हिंदू मुसलमान का मुद्दा बना दिया है। हमने तो नहीं बनाया। ये मुद्दा हिंदू मुसलमान का नहीं है। इस बिल के तहत हिंदू भी बाहर जाएंगे, मुसलमान भी बाहर जाएंगे, ये समझ लेना सारे जने, जिस जिसको गलत फहमी है ना। मैं कई लोगों से बात करता हूं, कहते हैं नहीं जी हिंदू नहीं, उस बिल में लिखा हुआ है पाकिस्तान से जो हिंदू आएगा वो केवल इस देश के अंदर रहेगा, बाकी जिस जिस हिंदू के पास यहां जितने बैठे हैं सारे जने प्रमाण पत्र ले लेना और अपने माँ बाप का भी जुगाड़ लेना, नहीं तो सबको, सबकी तैयारी कर रखी है। तो अब ये कह रही है असेंबली में पास करोगे, अरे असेंबली में 20 बार पास कर देंगे, उससे होता हो तो बताओ, पार्लियामेंट में पास करना पड़ेगा। केरला की असेंबली ने रेजोल्यूशन पास किया है, कानून आपसे पूछ रही हूँ, केरला ने जो किया वो करने दो उनको, तो आपने उससे क्या लेना देना है? पार्लियामेंट में पास करना पड़ेगा। आप टीवी में सही चीजें दिखाना चालू कीजिए, सिंबॉलिक मैसेज, आप टीवी में सही चीजें दिखाना चालू कीजिए, सही चीजें दिखाएंगे देश आगे बढ़ेगा। आज मीडिया हमारा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है, जो कि समस्या की, ये हमारे अच्छा देश की असली ताकत जनता है।
अगर आप कह रहे हैं कि हम लोग मीडिया में प्रॉब्लम है और एनडीटीवी प्रॉब्लम है, तो हम ठीक काम कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल, आखिरी सवाल, एक आखिरी सवाल ले सकते हैं हम, पूछ लीजिए जिसके पास माइक है। हेलो, हेलो, हाँ जी सर, एक मैडम, हाँ जी मैडम, इधर नीचे कोने पे राइट हैंड साइड मैडम। मेरा नाम सुमित दीक्षित है, मैं पटपड़गंज विधानसभा से हूँ। सर ये नंबर चालू है, सर एक सवाल है आपसे भी और सर आपसे भी, मेरा वोट सेफ रहेगा इस बार? क्योंकि हमने डोर टू डोर किया है, सब लोग बोलते हैं भैया 70 पार जाएगा, लेकिन ईवीएम चेक कराना। दूसरा सवाल मैडम, मीडिया सब पे बात कर रहा है, एनआरसी सब कुछ, मैडम प्याज का मुद्दा उठाओ, 140 चल रहा है, मिडिल क्लास फैमिली में प्याज का मुद्दा ऐसा है, प्याज बंद हो गया है, किसी रिश्तेदार के यहाँ जाओ बोलता है 1 किलो प्याज ले आना, सेब लाने की जरूरत नहीं है। दूसरा, एक मिनट, दूसरा आपने जो बिजली फ्री करी ना सर, लास्ट हम ऑडिटोरियम में देख रहे थे, आपने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया कि 5 साल हम बिजली अगले 5 साल भी फ्री रखेंगे। हाँ, और क्लियर कर दूं सर, हम मैं कह रहा हूँ कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, थोड़ा सा पड़ोसी राज्य के मुख्यमंत्री भी बोले, वहां से इस तरह फोन करते हैं कि कुछ हवा उधर भी चलाओ, बिजली फ्री कराओ। थैंक यू सर, बहुत अच्छे। एक चीज मैं साफ कर दूं, कई लोग मेरे से पूछते हैं कि जी चुनाव के बाद भी ये बिजली फ्री और महिलाओं का सफर फ्री रहेगा कि नहीं रहेगा, है ये मन में? तो उन्होंने, दूसरी पार्टी वालों ने तो कह दिया कि हाँ, एक मिनट, एक इन्हें पहले जवाब तो देने दीजिए, इन्हें जवाब देने दीजिए पहले प्लीज। हाँ, तो दूसरी पार्टी वालों ने तो क्लियर कर दिया कि अगर उनकी सरकार आई तो ये फ्री बिजली भी बंद करेंगे और फ्री महिलाओं का सफर भी बंद करेंगे। तो आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो अगले 5 साल तक आपकी बिजली भी फ्री रहेगी और महिलाओं का सफर भी फ्री रहेगा। थैंक यू वेरी मच अरविंद केजरीवाल जी, आपके अभी रिपोर्ट कार्ड और कुछ टाउन हॉल और भी जारी रहेंगे, बट थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे ऑन एनडीटीवी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू।